ये पाचन तंत्र की संरचना के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारी बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत जो होती है उसका काम क्या है? यहाँ पर कुछ जीवाणु होते हैं, ई कोलाई जीवाणु जिन्हें कहा जाता है, वो उपस्थित होते हैं। वो ई कोलाई जीवाणु जो है भोजन जो छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ उसका पाचन करने का काम करते हैं। कौन सी विधि से? किण्वन विधि से। किण्वन क्या होता है? आगे हम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किण्वन विधि के माध्यम से जो भोजन है उसको पचाने का काम करते हैं और जो जल होता है उसका अवशोषण का काम कहाँ होता है? जल का अवशोषण होना कहाँ होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत के काम हो गए। अब देखो बड़ी आंत और छोटी आंत में डिफरेंस क्या है? लंबाई जो है वो छोटी आंत की ज्यादा है, वो 7 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन बड़ी आंत को बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्यास जो है यानी जो गोलाई है वो क्या है? ज्यादा है, साइज छोटा है। ठीक है, लेकिन व्यास जो है वो क्या है इसका? अधिक होने की वजह से इसे बड़ी आंत कहा जाता है। अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई किसकी ज्यादा है? छोटी आंत की ही ज्यादा है। ठीक, अब जो है बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं, अंडनाल, वृदान और तीसरा है मलाशय। छोटी आंत का अंतिम हिस्सा कौन सा था? हमने देखा था शुद्धांग, है ना? तो शुद्धांग जो है जहाँ खत्म होता है वहाँ बड़ी आंत का कौन सा शुरू होता है हिस्सा? अंडनाल जो होता है। इसमें क्या क्या किया जाता है? अवशोषण का काम किया जाता है जो कि छोटी आंत के अंदर संपन्न नहीं हो पाया था, उन पोषक तत्वों का अवशोषण होके बाकी जो अपचित भोजन होता है उसको वृदांत को क्या कर देता है? ये वाला हिस्सा ट्रांसफर कर देता है। अब ये अंडनाल जो होती है वहां पे एक जहां पे छोटी आंत से जुड़ता है वहां पे एक 4 से 5 इंच लंबा उंगली के समान संरचना होती है जिसको कृमि रूपी परिशिष्टिका या हम कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का मनुष्य के अंदर कुछ काम नहीं है, लेकिन जो जंतु वगैरह होते हैं जो कि पका हुआ भोजन नहीं खाते उनके अंदर सेल्युलोज जो होती है उसको पचाने में क्या करता है? ये मदद करता है। तो वहाँ इसकी यूटिलिटी है। हमारे अंदर तो क्या होता है, अगर इसकी साइज बढ़ जाती है तो हमें दर्द देने लग जाता है, फिर इसको कटा के ऑपरेशन किया जाता है। वरना इसकी यूटिलिटी कोई नहीं है ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग पौधे खाते हैं लेकिन हम पका के खाते हैं, तो वो सेल्युलोज होता है वो ऑटोमेटिकली पहले नष्ट हो जाता है इस वजह से। फिर आता है सेकंड पार्ट इस बड़ी आंत का, वो है वृदान। यू आकार की होती है, 1.3 मीटर लंबी होती है, उसमें 4 पार्ट होते हैं, पहला आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा है अवरोही और चौथा है सिग्मा गार्ड। देखो ये है हमारी अंडनाल जो कि इससे जुड़ी हुई है छोटी आंत से। अब ये हिस्सा जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वो क्या कहलाएगा? आरोही। जो इस तरीके से लेटा हुआ है वो अनुप्रस्थ और जो नीचे उतर रहा है वो क्या है? अवरोही। आरोहण मतलब चढ़ना, अनुप्रस्थ लेटा हुआ, अवरोही मतलब नीचे उतरना और इधर वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है? सिग्मा गार कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग हिस्से हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। आरोही मतलब ऐसे चढ़ना, अनुप्रस्थ मतलब ऐसे लेटना और अवरोही मतलब उतरना, ये सिग्मा गार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंग्लिश जो होती है वो मैंने तो ऐसे बनाया लेकिन उल्टे इंग्लिश के लेटर, मतलब इस तरह से उल्टा के इंग्लिश का लेटर होता है यू, उसके अनुरूप इसकी संरचना होती है। फिर आता है अंतिम पार्ट इसका फॉर जो है मलाशय। मलाशय है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इस तरीके से, जहाँ हमारी वृदांत का सिग्मागार ये हिस्सा है ये खत्म होता है वहाँ पर कौन सा हिस्सा शुरू होता है? मलाशय शुरू होता है इस तरीके से। मलाशय के अंदर क्या होता है? अब जितना भी अपचित भोजन होता है या अवशिष्ट भोजन होता है उसका क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है। टोटल मलाशय कितना लंबा है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन इसका अंतिम जो 3 सेंटीमीटर मतलब पूरा तो है 20 सेंटीमीटर, लेकिन लास्ट के 3 सेंटीमीटर को हम क्या बोल देते हैं? दुगा नाल को देते हैं। और मलाशय का एक छिद्र रूपी संरचना में खुलता है जिसको हम क्या कहते हैं? मल द्वार। और यहाँ पर जो संकोचनिया या मांसपेशियां होती है जो कि मल को शरीर के बाहर त्यागने में क्या करती है? मदद करती है। तो इस तरीके से हमारी आहार नाल जो है पाचन तंत्र की संरचना में कंप्लीट हुआ। अब हम जो इस पाचन तंत्र के अंतर्गत जो ग्रंथियां आती है उनके बारे में पढ़ेंगे।